आपकी यूनिवर्सिटी एम्स आपको एमबीबीएस की डिग्री दे रही है, वो आपको दे देंगे। जैसा आज कोई लॉ ग्रेजुएट हो तो लॉ ग्रेजुएट की डिग्री उसको अपनी यूनिवर्सिटी दे देगी, बट उसको जब हाई कोर्ट में या तो कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए जाना है तो उसको एग्जाम पास करनी पड़ेगी। वैसे आपका डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रेजुएट आप हो गए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप रजिस्टर तब हो पाएंगे जब आप नेक्स्ट पास करेंगे। तो नेक्स्ट की दो काम में आएगी, एक पीजी में उसका मेरिट के आधार पर उसको एडमिशन मिलेगा और नेक्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा। और ये भी एग्जाम मैं नीट से कठिन नहीं लूंगा और उसकी मेरिट सिस्टम भी नीट में चलती ऐसी नहीं 50% उसमें भी नीचे लाके कोई स्टूडेंट को कोई प्रकार का हैरेसमेंट नहीं होगा। जो जनरल पास आउट एमबीबीएस हो जाते हैं वो सभी नेक्स्ट पास हो जाए, इस प्रकार के एग्जामिनेशन सिस्टम रखूंगा। और उसके लिए प्रैक्टिकल भी मैं अलग नहीं करवाना चाहता हूँ। प्रैक्टिकल आप जो आपके कॉलेज में कर लेते हो वही उसमें कंटिन्यूस होगा। नीट इक्विवेलेंट करूंगा, आपको नीट देना है तो उसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं देना है ना, आपको यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल देना है, कॉलेज में प्रैक्टिकल देना है, तो ये प्रैक्टिकल वहां ही होगा। ऐसा करके लाइन में कोई कंफ्यूजन मेरे मन में नहीं है। जिसके मन में था कंफ्यूजन एनएमसी को मैंने कह दिया कि आप छोड़ दो, मैं कर लूंगा मिनिस्ट्री की ओर से, तो अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।